हेलो दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कासन स्टडी पर यूपीपीसीएल टीजीटू की तैयारी कराई जा रही है। इसी के क्रम में हमने इसके पहले वाली क्लास में आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, ट्रांसफार्मर कुछ टॉपिक पढ़ा दिया था। ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन पढ़ा दिया था हमने, विद्युत वाहक बल का समीकरण पढ़ा दिया था। इसके बाद में ईएमएफ का समीकरण हमने पढ़ा दिया था, जो है होता है आपका ई बराबर लिखे थे हम 4.44 एफ एन वन। इसके बाद में आपका हो गया फाइव एम, ये आपका बता दिया था। और ई टू बराबर आपका बताया था हमने 4.44 एफ एन टू और फाइव एम, जहाँ एम है मेन फ्लक्स है और एन जो है नंबर ऑफ ये है आपका हो जाएगा, ये एन आपका वहाँ से आता है लेंज के नियम से। जब ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन तो लेंज का नियम है, लेंज के नियम में वह उसी का विरोध करती है विद्युत क्वांटिटी जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे, उसके आगे ले चलते हैं। आपको हम बताएंगे आज आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर इसे आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे। ये तो हमने आपको बता दिया था, इसको अगली वाली क्लास में पहले ही हमने बता दिया था, डेरिवेशन करा दिया था, इसलिए आपको हम ले चलते हैं। यहाँ से आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, मतलब समीकरण क्या होगा, तो समीकरण ये इम्पॉर्टेंट है दोनों समीकरण, इसलिए इसको ध्यान से देख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे अब आज हम पढ़ाएंगे आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे आदर्श ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। आदर्श ट्रांसफार्मर या आइडियल ट्रांसफार्मर इसके बारे में बताएंगे। तो आदर्श ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जिसकी दक्षता 100% हो, वह ट्रांसफार्मर जिसकी दक्षता 100% या 100% हो, 100% हो, वह ट्रांसफार्मर जिसकी दक्षता 100% हो, अर्थात जिसमें बाइंडिंग का प्रतिरोध ना हो, अर्थात जिसमें बाइंडिंग का प्रतिरोध ना हो, अर्थात जीरो हो या शून्य हो, प्रतिरोध ना हो, वह ट्रांसफार्मर जिसकी दक्षता 100% हो, अर्थात जिसमें बाइंडिंग का प्रतिरोध ना हो, वह क्या कहलाता है, आदर्श ट्रांसफार्मर। और इसके बाद में बहुत से कारण हैं आदर्श ट्रांसफार्मर के, देखिए हम एक एक करके आपको लिखवा रहे हैं। जिसमें कोई लीकेज फ्लक्स ना हो,
ना हो, लीकेज फ्लक्स ना हो, कोई भी हानि ना हो, जिसमें कोई हानि ना हो। और उसके बाद में जिसके ट्रांसफार्मर में जो कोर लगा है, जिसमें कोर की पारगम्यता परमेबिलिटी कोर की परमेबिलिटी परमेबिलिटी पारगम्यता परमेबिलिटी अनंत हो, जिसकी पारगम्यता क्या हो, अनंत हो, कोर की पारगम्यता अनंत हो, अर्थात कोर को चुंबकित कराने के लिए अर्थात कोर को मैग्नेटाइज चुंबकित कराने के लिए कोर को चुंबकित कराने के लिए कोर को चुंबकित कराने के लिए बहुत कम अथवा ना के बराबर धारा की आवश्यकता हो। आप जानते हैं कि जब कोर चुंबकित नहीं होगा तब तक विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा, जब कोर चुंबकित हो जाएगा फ्लक्स उत्पन्न होगा, फ्लक्स की वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, तो ट्रांसफार्मर ठीक तरीके से कार्य करने लगेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि कोर को चुंबकित कराने के लिए बहुत कम धारा की आवश्यकता हो, अर्थात कोर की पारगम्यता अनंत हो। ये आदर्श ट्रांसफार्मर और शक्ति गुणक कास्ट फैक्टर जिसे कहते हैं शक्ति गुणक ये क्या होता है, कास फाई, शक्ति गुणक का कोण 90 डिग्री होगा तभी ये ज़्यादा आपका सही रहेगा। शक्ति गुणक ज़्यादा होगा तो आपकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, उसका मान ज़्यादा आएगा। इसके बाद में आपका आता है पावर फैक्टर शून्य होता है, क्या होता है, पावर फैक्टर मतलब शक्ति गुणक लैगिंग होता है, जीरो लैगिंग होता है, कितना, शून्य लैगिंग, पावर फैक्टर शून्य पश्चगामी होता है अर्थात पश्चगामी होता है। इसके बाद में अब हम देखेंगे फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस हम देख लेंगे E1 और E2 में, तो क्या फेज डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 के फेज डिफरेंस हम देखेंगे क्या क्या हैं। ये वैसे आपके लिए नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं फेज डिफरेंस क्या होता है। तो फेज डिफरेंस जैसे आपका ट्रांसफार्मर बन जाएगा, ये आपका ट्रांसफार्मर बन जाएगा
ये आपका ट्रांसफार्मर हो जाएगा। यहाँ से इसके बाद में ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। तो यदि यहाँ से आपका क्या E1 ये यहाँ से स्टार्ट होगा अगर, तो और E2 यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, तो फेज डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री। फेज डिफरेंस क्या होगा यहाँ E1 हुआ E2 के मध्य फेज डिफरेंस कितना होगा 0 डिग्री हो जाएगा। यदि यहाँ पर यदि इसे हम ऐसे बनाते हैं, फिर से एक दूसरा डायग्राम देखते हैं फेज डिफरेंस। यदि यहाँ देखते हैं, यदि ये E1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और E2 आपका यहाँ पर मिल रहा है E2, तो आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा E1 व E2 के मध्य फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा आपका। इसके बाद में अब हम आपको नो लोड ऑपरेशन पर ले चलते हैं। नो लोड ऑपरेशन क्या है आपका, नो लोड ऑपरेशन आपका क्या है। जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड ना जुड़ा हो, जब ट्रांसफार्मर पर या क्या होता है जब ट्रांसफार्मर पर कोई भार ना लगा हो अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग या द्वितीयक वाइंडिंग क्या होती है, खुली होती है। द्वितीयक वाइंडिंग ओपन हो, क्या हो, खुली हो। द्वितीयक वाइंडिंग क्या हो, खुली हो, तो क्या कहते हैं ये नो लोड ऑपरेशन। तथा जब प्राथमिक, इसमें क्या होता है जब जब प्राथमिक बाइंडिंग पर सप्लाई दी जाती है तो यह सप्लाई से दो कार्य करता है। क्या क्या होता है, दी जाती है तो ट्रांसफार्मर सप्लाई से दो कार्य करता है। वो दो कार्य कौन कौन से हैं, नंबर एक कोर को चुंबकित करता है। इसके बाद में और तथा दूसरा कार्य इसका क्या है, तथा यह
कोर लॉस या आयरन लॉस, यह कोर हानि, कोर हानियाँ, इसी को कहते हैं आयरन लॉसेस, इसी को कहते हैं आयरन लॉसेस, हानि को दर्शाता है, कोर हानियों को दर्शाता है, ये कोर हानियों को दर्शाता है। जिसे हम देख लेंगे क्या होता है आपका, जैसे ट्रांसफार्मर आपका बन जाएगा, ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर, ये आपका ट्रांसफार्मर बन रहा है ट्रांसफार्मर, ये आपका कोर हो गया, कोर में फ्लक्स उत्पन्न होगा, ये आपका कोर हो गया, यहाँ से आप बाइंडिंग कर देंगे कोर पर, इसके बाद में वो प्राइमरी बाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी बाइंडिंग आपकी, ये आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई, प्राइमरी बाइंडिंग। जब हम यहाँ से प्राथमिक पर सप्लाई देते हैं, जब प्राथमिक पर एसी सप्लाई देते हैं, तो इसके कारण इसमें फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, फ्लक्स कारण इसमें पहले तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन दूसरे पर कोई लोड नहीं लगा है, ये आपका क्या है, ओपन है, इस पर कोई लोड नहीं लगा है, तो इसमें कोई विद्युत बल नहीं प्रेरित होगा, ये ओपन है। तो यहाँ से आप दो कार्य करेंगे, क्या क्या आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आप क्या क्या ज्ञात करेंगे, और कोर हानियाँ दो होती हैं जिसे, ठीक, आप यहाँ से आपका ज्ञात हो जाएगा क्या क्या हम बना रहे हैं, आपका यहाँ से मिल जाएगा, आपका यहाँ से ये आपका हो गया, यहाँ से आर डब्ल्यू हो गया, आर डब्ल्यू यहाँ से XM हो गया, यहाँ से IM आएगा, और यहाँ से IW आएगा, ठीक, यहाँ से I0 जब सप्लाई देंगे तो ये ऐसे आएगा, ये इसके क्रॉस में आपका हो जाएगा V1। तो यहाँ से दो हानियाँ हम सब ज्ञात करेंगे, दो हानियाँ आपकी हो जाएंगी, नंबर एक क्या होगी, ईडी करंट लॉसेस, ईडी करंट लॉस, और नंबर दो आपका हो जाएगा हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये दोनों ज्ञात करेंगे, अब देखते हैं कैसे आप निकालेंगे, यहाँ से हिस्टेरिसिस लॉस आपका आ जाएगा, हिस्टेरिसिस लॉस, और जब इसमें ग्राफ बनाएंगे, तो ये अगर ये हमारा ये V1 है, यहीं इसी पर ही आपका IW आएगा, इस पर आपका IM आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर I0 आ जाएगा, तो ये इसे आपका यहाँ से आपका ज्ञात हो जाए, तो दोनों के मध्य क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस के मध्य जो होता है, इन दोनों धाराओं के मध्य जो जीरो वाट की, मतलब बिना वाट वाली करंट बहती है, जिसे कहते हैं वाटलेस करंट, तो ये दोनों सीधी रेखा में होगी। इसके बाद चलते हैं, अब क्या क्या होता है
हिस्टेरिसिस लॉस और ये आपका एडी करंट लॉस क्या क्या होता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस पहले आप देखेंगे हम इसी में कि नो लोड धारा बहुत कम होती है, इसमें ओपन सर्किट में नो लोड करंट में या ओपन सर्किट नो लोड ऑपरेशन में क्या होता है, नो लोड ऑपरेशन में धारा बहुत कम होती है, क्या होती है, नो लोड धारा बहुत कम होती है या बहुत कम बहती है, फ्लो होती है, बहुत कम होती है, नो लोड धारा बहुत कम होती है। इसको इसका मान कितना हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2% से 5% या कभी कभी दे देता है 3% से 5%, कुछ भी दे देगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि नो लोड ऑपरेशन में नो लोड धारा कितनी होती है, फुल लोड धारा की कितनी होती है, तो 2 से 5% फुल लोड करंट। नो लोड पावर फैक्टर एंगल कोण क्या होता है, नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर एंगल पावर फैक्टर कोण जो होता है वो आपका कितना होता है, 75 डिग्री से ज़्यादा, 80 डिग्री से और 75 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है। नो लोड पावर फैक्टर एंगल जो होता है 75 से 90 के मध्य होता है, इसलिए नो लोड पावर फैक्टर बहुत कम होता है, इसलिए नो लोड पावर फैक्टर नो लोड पावर फैक्टर बहुत कम होता है, नो लोड पावर फैक्टर बहुत कम होता है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इकट्ठा करने में इसे। ठीक दोस्तों, आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक, इसके बाद में आपको हम बताते हैं पावर फैक्टर बहुत कम होता है, लगभग इसका पावर फैक्टर होता है 0.2 या 0.3 या कभी कभी 0.25 भी दे देता है या 0.35 भी दे देता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जितना हमने लिखवाया है ये आपका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जब बच्चा पढ़ा रहेगा तो ऑप्शन में आएगा, तुरंत टिक कर देगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो सोचेगा इसमें से क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हम आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन वाले सवाल लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करिए कृपया, और शेयर करते रहिए भाई। ठीक